हेलो फ्रेंड्स, मैं एलिसगढ़ जय इलेक्ट्रिकल रेलवे डीएफसी से आई हूँ। तो बहुत सारा क्वेरी जा रहा है कि जो अभी डीवी चल रहा है डीएफसी साइल का, पता होगा कि डीवी 11 मार्च से डीवी शुरू हो गया है। तो अभी डीवी चल रहा है, बाकी पोस्ट का डीवी हुआ है। अब बाकी पोस्ट का डीवी अभी बाकी है, जो 26-27 को होगा, अब होली बाद होगा। तो बहुत सारा इसमें क्वेरी जा रहा है कि डीवी में कितने कैंडिडेट हैं जो प्रेजेंट हो रहे हैं, क्या वेटिंग आएगा कि नहीं। जिनका थोड़ा बहुत कम नंबर से रह गया है रिजल्ट, तो उनको उनका बहुत सारा क्वेरी जा रहा है कि वेटिंग आएगा कि नहीं। कितना कैंडिडेट है जो अब्सेंट हो जा रहे हैं, और कोई भी कैंडिडेट जो मेडिकल में भी यहाँ पे छट रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे। इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। देखिए, डीबी में बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो बिल्कुल प्रजेंट हो रहे हैं, बहुत ही कम कैंडिडेट है जो अब्सेंट हो रहे हैं। क्योंकि आप देख ही सकते हैं कि कंपटीशन कितना ज़्यादा है, जिसमें अभी सभी कैंडिडेट, लगभग मोस्टली कैंडिडेट है जो प्रेजेंट हो ही रहे हैं। आपको जो भी पोस्ट का अभी तक डीबी हुआ है उसमें हम बताएंगे। जैसे आप जो जूनियर एग्जीक्यूटिव सिग्नल टेली कम्युनिकेशन है, इसमें टोटल 148 पोस्ट था, जिसमें 130 कैंडिडेट के अप्रॉक्स में यहाँ पे प्रेजेंट थे। सभी के इनका डीबी कम्प्लीट हो गया है, तो 130 कैंडिडेट जो है वो प्रेजेंट हैं। बाकी इसमें जो प्रेजेंट है, उसके बाद एग्जीक्यूटिव आईटी में 6 पोस्ट था, जिसमें 6 कैंडिडेट प्रेजेंट थे। उसके बाद एग्जीक्यूटिव एचआर में टोटल 19 पोस्ट था, जिसमें 19 पोस्ट में 17 कैंडिडेट प्रेजेंट थे। उसके बाद एग्जीक्यूटिव सिविल में टोटल 50 सीट है, 50 सीट में टोटल 40 कैंडिडेट है वो प्रेजेंट हो गए हैं। उसके बाद एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल की बात करें तो इसमें टोटल 30 सीट था, जिसमें इसमें 29 कैंडिडेट थे जो प्रेजेंट थे। तो अभी इतना कैंडिडेट का डीबी हुआ है, बाकी अभी बाकी है। जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल का बाकी है, उसके बाद फाइनेंस का बाकी है, और मैकेनिकल का बाकी है। ये सारा पोस्ट का भी बाकी है। तो इन सभी पोस्ट में भी जो लगभग मोस्टली कैंडिडेट है वो प्रेजेंट हो गए ही, क्योंकि इसे आइडिया लग रहा है, आप देख ही रहे कि लगभग कैंडिडेट है वो प्रेजेंट हो जा रहे हैं यहाँ पे। तो इन सब का डीबी और मेडिकल होना है, तो इतना इसमें अभी है जो अब्सेंट हो रहे हैं। लेकिन इसमें कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जो मेडिकल के का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करेंगे, तो उनको वहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो ज्वाइन नहीं करते हैं, जब जब तक ज्वाइनिंग आता है तब तक उनका अलग अलग जगह पर अगर ज्वाइनिंग हो जाता है तो वहाँ पे ज्वाइन कर लेते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे सीट और भी खाली होगा, तो जो थोड़ा कम नंबर से रह गए हैं उनको टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल वेटिंग ज़रूर आएगा। ऐसा नहीं है कि वेटिंग नहीं आएगा, क्योंकि अभी मेडिकल में छटेंगे, फिर यहाँ पे कुछ ऐसे कैंडिडेट होंगे जो ज्वाइन नहीं करेंगे। बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो ज्वाइन नहीं करते, क्योंकि बहुत सारा मल्टीपल जगह अगर सिलेक्शन हो जाता है तो वो दूसरी जगह ज्वाइन कर लेते हैं, तो यहाँ पे स्किप कर देंगे, तो उस टाइम यहाँ पे खाली रह जाएगा सीट। तो उनका वेटिंग ज़रूर आएगा, और वेटिंग जब आता है तो उसमें भी बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो ज्वाइन नहीं करते हैं, क्योंकि उनका जब तक अलग जगह हो जाता है तो फिर वो भी ज्वाइन नहीं करते। तो ऐसे करके वेटिंग आते जाता है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। वेटिंग बिल्कुल 100% वेटिंग सभी पोस्ट में आना है, ऐसा नहीं है कि वेटिंग नहीं आएगा। तो वेटिंग आएगा ही, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। बाकी देख ही रहे कि जो भी पोस्ट बचा है उनका भी, जो भी कैंडिडेट होंगे बिल्कुल मोस्टली प्रेजेंट हो ही जाएंगे। तो बिल्कुल जल्दी जल्दी यहाँ पे आपका डीबी हो रहा है, उसके बाद ज्वाइनिंग भी जल्दी जल्दी आ ही जाएगा। आपको अप्रैल में ज्वाइनिंग देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे जो भी पोस्ट का बचा हुआ है ओपीपीडी है, तो उनका साइको का रिजल्ट आ जाएगा और उनका भी डीबी होगा, और ज्वाइनिंग जल्दी जल्दी आपका हो जाएगा। यहाँ पे चुनाव से कोई भी मतलब नहीं है, ज्वाइनिंग आपका हो जाएगा। चुनाव से कोई दिक्कत नहीं है इसमें कि चुनाव के कारण ज्वाइनिंग रुक जाएगा, तो ऐसा नहीं है। ज्वाइनिंग यहाँ पे आपका जल्दी जल्दी हो जाएगा, और बिल्कुल ट्रेनिंग होगा, फिर आपका पोस्टिंग मिलेगा। और पोस्टिंग के बारे में हम वीडियो बनाएंगे कि कहाँ पे पोस्टिंग मिलेगा आपका। तो तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।